3 साल तो ना पाकिस्तान ने तंग कर दिया बलगंदा, क्योंकि आर्मी वाले बोलते थे यार हम इंडियन आर्मी और मोदी के वैसे तो अब बीच में जो पाकिस्तान का जो राशन वाशन मिलता था हम उसको खा लेते, पाकिस्तान आर्मी का जो खाना बचा हुआ होता है उसे खा के ना अपनी जान बचा करते थे। हमारे बत्रा सर शहीद हो गए तो वो शहीद होने के बाद उसको हमने कंधा देके, जब विक्रम बत्रा शहीद हुए तो कंधा देके आप लोग लेके नीचे आए, मतलब अपना घर जमीन सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। इंडियन आर्मी और मोदी सरकार, हमें ये एरिया जो है सर ये पाकिस्तान का बिल्कुल खुला एरिया था। ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो, मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ फिर से आपका हमारे इस नए वाले वीडियो में। तो भाई आज ना मैं जिस लोकेशंस में हूँ ना वो जगह है जहाँ पे ना कारगिल का वॉर हुआ था, और कारगिल के वॉर में ना ये गांव सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ दिक्कतें आई थी वो इस गांव में आई थी। इस गांव का नाम आपका मॉस्को वैली, और मॉस्को वैली के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे आपका परवेज मुशर्रफ ने भी ना 2 दिन यहाँ पे मतलब अपनी अपनी जो आपकी उनकी आतंकवादी सेना थी ना उनको ट्रेनिंग देने के लिए मॉस्को वैली आगे घाटी है वहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी पहुँच गई थी। और इस गाँव के लोगों ने ना भैया आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के ना सारा सामान लोड करके अपने कंधों पर बड़े वो गोले आपके मोर्टार यहाँ से ना कैरी करके टाइगर हिल तक पहुँचाए। आपको टाइगर हिल पर आपको पता है विक्रम बत्रा की मतलब शहीदी हुई थी, वहाँ पर शहीद हुए थे, और यहीं इसी गांव के कुछ लोग जो विक्रम बत्रा को उस हिल से लेके नीचे आए थे ना अपने कंधे पे लेके आए थे 4 कंधों पे लेके, वो सारे लोग इसी गांव के थे। तो आज ना मैं आपके इसी गांव के लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, आपको मिलाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने भैया इस कारगिल वॉर में ना विक्रम बत्रा की हेल्प करी। और वो पल कैसा रहा होगा जब ना ये पहाड़ी, इस साइड वाली पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, आपको ये काले काले से निशान, ये तोप के गोलों के निशान है जो उस साइड से ना पाकिस्तान की आर्मी छोड़ रही थी, और इस साइड आपका पाकिस्तान की आर्मी थी और इधर आपका हिंदुस्तान की आर्मी थी। और इस गांव के लोग ना बीच में मतलब वो कहते हैं ना गेहूं में घुन की तरह पिस जाना, बिल्कुल वैसा ही कुछ हाल हो गया था यहाँ के लोगों का, जो उस टाइम पे जब वॉर हुआ था यहाँ पे बंकर बना के रहे थे, और यहाँ की आर्मी के लिए खाना पहुँचाना, खाना लेके आना 15-15 दिन तक वो लोग ना आर्मी के साथ ऊपर टाइगर हिल तक पहुँचे, विक्रम बत्रा के साथ टाइगर हिल तक पहुँचे और भूखे रहे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पूरी ऊपर तक आ गई थी। ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है इस पीक तक आ गई थी। वो कौन है वो शख्स, उनका नाम है भैया इलियास जी, और वो अभी भी जिंदा है इस गाँव के अंदर। तो मैं उनके पास आपको लेके चल रहा हूँ कि घर की तरफ, ताकि ना आपको उनसे मिलाऊँ और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था उस समय पर, क्या बीती थी उनके ऊपर, और फिर भी उन्होंने ना आपका इंडियन आर्मी का साथ नहीं छोड़ा और 15-15 दिन तक ना भूखे रहने के बाद भी। तो चलो चलते हैं उनके घर की तरफ और उनसे मिलते हैं, फिर जाके पता चलेगा आखिर वो कौन है और कैसे कैसे बीती उनके साथ ना सब चीज़ें, वो अपने मुंह से खुद बताएंगे। और ये भैया आपका इस गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं डायरेक्ट उनके घर की तरफ। भैया जी ये वो गाँव है मॉस्को वैली का, और ये है सामने उनका घर, और इस घर में हम जाने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे से बेटा क्या हाल है, बढ़िया, कैसे हो, क्या नाम है आपका? तो ये सामने जो घर आपको दिखाई दे रहा है ना यहीं रहते हैं वो शख्स। तो मैं इस घर में लेकर चलता हूँ और उनके साथ बैठते हैं, वहीं चाय पानी भी पियेंगे और वही हमको बताएंगे कि आखिर क्या क्या हुआ था उनके साथ जब यहाँ कारगिल वॉर हुआ था, जब विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। सर मेरा नाम इलियास अहमद है, और सर 99 के शेलिंग में हमारे पास यहाँ पर पहले तो बहुत प्रॉब्लम हो गया इंडियन आर्मी को, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे इसमें थे लोकेशन में, पाकिस्तान जो है ज़्यादा हाई लोकेशन में थे, तो हमारे इंडियन आर्मी ज़्यादा नीचे इसमें थे, पाकिस्तानी आर्मी हमारे पहाड़ों में आए हुए थे, तो हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बाद ये पहाड़ियाँ कब्जा करने में कामयाब हो गई। तो सर 99 में फर्स्ट में हम यहाँ टाइगर हिल के साइड निकल गए, सर ये टाइगर हिल के रास्ते हैं यहाँ पे, इस रास्ते से होके फिर हमें बत्रा, विक्रम बत्रा जो शहीद हुए सर उसके पीछे ये टाइगर हिल के पीछे आ जाती, तो हमें सर टाइगर हिल से बत्रा सर के जो एरिया थे सर उस एरिया तक हमारे को तकरीबन 15 से 20 दिन के समय लग गए, 15 से 20 दिन का समय वहाँ पहुंचने में। हाँ सर, यहाँ से विक्रम बत्रा टॉप तक 15 दिन लगते थे आपको? हाँ सर। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर मैं गेम खेलकर पैसे अर्न करता हूँ, जिसका नाम है वन विन ऐप। इसमें मेरा फेवरेट गेम है लकी जैक, और इसमें मैंने 3,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं। तो आपको बताता हूँ कि इसमें पैसे डिपॉजिट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट मेथड को चूज करना है, जैसे कि मैंने इसमें पेटीएम को चूज किया है। तो इसके बाद मुझे सीधा जाना है अपने फेवरेट गेम लकी जैक पर, तो मैं इसमें 2 बैट लगाऊंगा पैसे जीतने के लिए, और अभी देखते हैं
ओह तो भाई मैच ये दिया 2325 रुपए। तो गाइस यहाँ पे मेरे पैसे डबल हो चुके हैं। एक काम करते हैं, दूसरी बेट देखते हैं। वाओ यहाँ पर भी मेरे पैसे डबल हो चुके हैं। तो गाइस हमारा टोटल अर्निंग अमाउंट हो गया 3195 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पैसों को विड्रॉल कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना होगा। तो अब आपको यहाँ पे विड्रॉल के बटन पे क्लिक करना है और अपना पेमेंट मेथड चूज करना है, जैसे कि मैंने पेटीएम को चूज किया। और पेटीएम पे क्लिक करने के बाद पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और ये मेरे दोस्त की साइट है, मैं तो भरोसा करता हूँ, और इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। और अगर आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे प्रोमो कोड का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 2500 रुपए का बोनस। तो खेलिए और पैसे अर्न कीजिए। मेरे फोन में देखो अभी एक नोटिफिकेशन आया और मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो खेलिए और अर्न कीजिए। 15 दिन लग गए सर, क्योंकि आगे शेलिंग हो रही थी, आगे शेलिंग हो रही थी और पूरे पाकिस्तान की फौज उस एरिया में कब्जा किया हुआ था। तो सर हम उस वक्त नाइट में हम बत्रा सर के जो इस साइड एरिया में थे और एक पहाड़ है उस लोकेशन में बैठे हुए थे। तो बत्रा सर जो है वो अपने एरिया को कवर करते हुए जब वो रात को ऊपर निकल गए तो उस पहाड़ पे शहीद हो गए। क्योंकि उसके ऊपर जो थे वो हमारे ये हमारी आर्मी चढ़ रही थी, तो उसके टॉप में पाकिस्तान थे, उसकी फेर की वजह से हमारे बत्रा सर शहीद हो गए। तो पीछे से बैक सपोर्ट। आपको कैसे पता चला कि जब आर्मी पाकिस्तान की आर्मी यहाँ आ गई थी, आपको मतलब कानों कान खबर भी नहीं हुई कि आर्मी ने घेर लिया ऊपर से पूरा पाकिस्तान ने? सर उस वक्त तो ये जून का टाइम था, तो हमारे इस एरिया में बर्फ रहती है। अच्छा। तो हम इस लोकेशन में जाते ही नहीं, हमारा कोई काम होता नहीं। हाँ। तो हम पेट्रोलिंग गए थे सर इस साइड। हाँ। एक बार हमारी पेट्रोलिंग तो चलते रहती है। हाँ। तो उस समय हमें पता चला कि ये बर्फ के ऊपर उनके पैर के निशान थे, पाकिस्तान आर्मी के। पाकिस्तान आर्मी के। तो हमें ये एरिया जो है सर ये पाकिस्तान का बिल्कुल खुला एरिया था, इसमें कोई हमारी फौज भी नहीं रहती थी और ये भी नहीं रहती थी। ये एरिया पूरा ओपन बॉर्डर था, मतलब ओपन बॉर्डर था। ओपन बॉर्डर किस लिए था? क्योंकि शिमला समझौता हुआ था। हाँ, 47 में जो सर ये समझौता हो गया था कि हमारे इस साइड में कोई भी फौज नहीं चढ़ेगी। और ये जो हमारे फौज आती थी सर वो पेट्रोलिंग अपने एरिया में करके फिर बैक नवंबर में डाउन हो जाती थी। अपना इस साइड से आर्मी चढ़ती थी और नवंबर में डाउन हो जाती थी। मई में चढ़ते थे और नवंबर में बैक हो जाते थे। तो बाद में सर इसी साइड में तोरलिंग साइड, जहाँ हम तोरलिंग पढ़ते बोलते हैं, उस एरिया में ऊपर जो पाकिस्तान की फौज थी वो ऊपर आए हुए थे। और अपना एक बंदा है यहाँ पर जो लद्दाख स्कोर में मोहम्मद यूसुफ। अच्छा। तो उसने उस बंदूक को ऊपर देख लिया उनने कि भाई यहाँ कोई दूसरे टाइप के बंदे हैं। तो बाद में उन लोगों ने सर्च करने के बाद हमारी वार वहीं से स्टार्ट हो गई। तो अपना जो बत्रा टंजित केम है ना सर, उधर से अपने आर्टी फायर चली तो ऊपर तोरलिंग साइड में, तोरलिंग से फिर वो लड़ाई स्टार्ट हो गई सर, टाइगर हिल, टाइगर हिल। अच्छा। तो आप लोग मतलब सिर्फ सामान ले जाते थे, आर्मी तो ऊपर लड़ाई करती, तो खाना पीना कौन बनाता था आर्मी के लिए? सर हमें कभी तो भूखा रहना पड़ता था। अच्छा, आपको भी भूखा रहना पड़ता था? फिर हम क्या करते सर, हम तो आर्मी के साथ थे। अच्छा। हमें तकरीबन सर वो बत्रा से जहाँ पर हमारे बत्रा सर शहीद हो गए उससे आगे हमारे को 20-25 दिन लगे। अच्छा। उस एरिया में तकरीबन 15 दिन तो हमें बिल्कुल भूखा रहना पड़ा। भूखा, सिर्फ भूखा हमारे पास 15 दिन। पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट रही थी, हम बेग भी नहीं हो सकते थे। तो इसलिए वो आगे जा रहे थे तो हम पीछे से उनके कब्जा करते करते हमें उसमें तकरीबन 15 दिन हमें भूखा रहना पड़ा। कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए? कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हमें ड्रॉपिंग जो अपने जहाज आ गई सर, उसके बाद थोड़ा जहाज से जब ये हो गई तो जहाज से ड्रॉप करके हमें खाना शाना मिल गया। अरे बाप रे बाप। अच्छा। और बीच में जो पाकिस्तान का जो राशन वाशन मिलता था हम उसको खा लेते। अच्छा। हथियार भी बहुत छोड़ा सर और राशन भी बहुत छोड़ा था, उन लोगों को कोई संभालने की टाइम नहीं मिली। पाकिस्तान की कितनी आर्मी होगी कम से कम यहाँ पे जो आई थी घुसपैठ करके? घुसपैठ करके तकरीबन सर हो गए तकरीबन इस एरिया में तकरीबन 500-600 नफरी थी। 500-600 तकरीबन। और ऐसा कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी इधर मुस्को वैली में आके रुके छुपे हुए थे कुछ। तो यहाँ जब वो वॉर हुआ था इस गांव से कितने लोग शहीद हुए होंगे? कम से कम हुए थे कुछ लोग जो आर्मी के साथ गए थे ऊपर पूरा सामान लेके? यहाँ पर सर जो भी हमारे लोग थे ना, हम तो घोड़े लेके थे। अच्छा। तो आधे घोड़े लेके थे, आधे आर्मी के साथ आगे गाइड करते थे। हाँ। क्योंकि हमारे को इस लोकेशन के बारे में पूरा पता था, तो हम कुछ गाइड करते थे और कुछ घोड़े के साथ ये करते थे लोगों की, क्योंकि हमारी आर्मी जो है हमें ज्यादा आगे जाना नहीं देती थी। क्योंकि आर्मी वाले बोलते थे यार हम मर गए शहीद हो गए तो हमारे
परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, आप शहीद हो गए तो आपको तो कुछ मिलेगा भी नहीं, आप तो इसी तरह मर जाओगे। जैसे जब आर्मी के लोग यहाँ शहीद हुए थे, यहाँ के गांव वालों ने भी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के सारा वो काम किया था जो आर्मी ने किया था। सर, सर। तो यहाँ के गांव के लोगों को भी ऐसा कुछ सम्मान में कभी कुछ मिला किसी को कि मतलब कि ऐसा हुआ कि मतलब? किसी को कुछ नहीं मिला सर, तो उस टाइम पे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस चीज। और बिल्कुल 15-15 दिन तक भूखे रहना मतलब बहुत बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान से वॉर चल रहा था ना कंटिन्यू, तो आर्मी तो ऊपर कहते हैं आपका जो हमारा टाइगर हिल है वहां पर मौजूद थी, साथ में यहाँ के लोकल लोग भी ना उनके साथ पूरे टाइगर हिल पे थे, 15 दिन तक भूखे रहे थे। और जब पाकिस्तान आर्मी का जो खाना बचा हुआ होता था उसे खा के ना अपनी जान बचा के रहते थे। तो इनको क्या मिला, किसको सम्मान मिला, या कभी कोई एक फूल के रूप में भी कहीं पर नाम भी आया सब किसी का? नहीं, 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 कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, कुछ नहीं आज। ये है तो यार, फौज के साथ हम बहुत साल रहे सर, उसके बाद में भी बहुत टाइम तक हम आर्मी के साथ काम। तो आप विक्रम बत्रा से मिले थे वैसे कभी? सर, आपने देखा विक्रम बत्रा को? वो हमारे इस साइड में आ गए थे, हम ऊपर साइड में थे, तो बाद में हमें शहीद होने के बाद पता चला कि वो विक्रम सर थे। अच्छा, आपने उससे पहले विक्रम बत्रा को? हाँ सर, उस वक्त हम तो इधर से चढ़े थे, ये टाइगर हिल है अपना, इसमें इस रोड में। अच्छा, ऊपर टाइगर हिल है। तो उसके बाद हम उधर मिले, तो वो शहीद होने के बाद उसको हमने कंधा देके। अच्छा, मतलब जब विक्रम बत्रा शहीद हुए तो कंधा देके आप लोग लेके नीचे आए? लेके नीचे आए थे। तो भैया, अगर आपने शेरशाह मूवी देखी है ना, उसमें आपने विक्रम बत्रा वाला रोल देखा होगा, तो भैया मैं भी अभी बहुत लकी हूँ कि मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ जो विक्रम बत्रा को ना उस शहीद होने के बाद वहां से कंधा देकर टाइगर हिल से नीचे लेकर आए थे। और आप इनको शायद पहले पता नहीं हो कि वो विक्रम बत्रा, लेकिन जब शहीद हो गए उसके बाद पता चला कि वो कैप्टन विक्रम बत्रा है। क्योंकि इसके ऊपर ना, इसके ऊपर कोई रिंग शिंग नहीं होता सर, जिस वक्त फौज आर्मी लड़ने की चढ़ती थी उस वक्त कोई रैंक शेंग नहीं होता है उनके। तो अगर हम लोगों को अभी विक्रम बत्रा वाले टॉप पे जाना होगा तो क्या हमें विक्रम बत्रा टॉप पे जाने देंगे? जा सकते हैं सर, चल सकते हैं। कितने घंटे लगेंगे ऊपर पहुंचने में? कम से कम यहाँ से तकरीबन हमें 8 से 10 घंटे लगेंगे। 8 से 10 घंटे लगेंगे? अभी अगर आप कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटा लगता था, लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे मौजूद थी तब कितने घंटे लगे होंगे ना? तब तो 15-1 दिन लगे होंगे, क्योंकि आर्मी पर गोली जाना नहीं देते थे सर। आप बस आर्मी के रात को बिल्कुल अंबुश लगा के फिर उसके बाद अगर हमें मौका मिलता था तो हम उन पर अटैक करते थे। अच्छा, वरना तो अटैक करने में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अपनी फौज। वैसे ऐसा होता है कि कहते हैं इंडियन आर्मी को तो खैर पूरी ट्रेनिंग थी ना हर चीज की, कि बंदूक चलाने की। जब आप लोग साथ चलते थे और आपको कभी ऐसा लगता था कि यार कहीं हमारे पर कुछ हो गया तो फिर हम अपने को कैसे संभालेंगे? नहीं सर, पहले थोड़ा डर लगता था, उसके बाद तो हमें ये रहती थी कि हम जज्बा आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाए, पाकिस्तान को पीछे बैकते रहें, हम उसको बैक करें, हमें आगे बढ़ने के बहुत बड़ा ये आ रहा था। तो ऐसा क्यों नहीं हो गया फिर, जितना पाकिस्तान अंदर घुस गया इतना हम भी घुस जाते घुसा घुसा? वहां से ना सर, उसके बाद जो है बाद में ये हो गया ना सर, बाद में फैसला हो गया, सीज फायर हो गया। तो वरना शायद फिर पाकिस्तान को 2-4 गाँव और गंवाने पड़ते। वहां से तो हमारा नजदीक था ना सर गाँव, तो वहाँ आगे जा सकते थे टाइगर हिल से ऊपर। अभी जो है ना सर हमारा बलवन पोस्ट जो है, तो उसके ठीक नीचे पाकिस्तान का गाँव आता है, तो उस एरिया में वो एरिया जो है अपना पूरा अभी कैप्चर है। वो वॉर हुआ था उसके बाद अब यहाँ पे आर्मी की हलचल कैसी है? पहले तो आर्मी बहुत कम थी यहाँ पे, अब आर्मी की हलचल कैसी है यहाँ पे? बहुत है सर, पहले द्रास में एक सीओ ही रहता था, पूरे द्रास में एक सीओ रहता था, एक सीओ, तब जाके पाकिस्तान आर्मी यहाँ घुस गई। और अब तो पूरी आर्मी अभी तो पूरा हर पोस्ट में। तो अभी इंडियन आर्मी और मोदी सरकार या जो भी सरकार अभी है उसकी वजह से मतलब कोई फैसिलिटी है इस गाँव के अंदर? है सर, बहुत फैसिलिटी है इस गाँव में। देखो अभी घोड़े चलते हैं, बोटर का फैसिलिटी है, और बाकी जो मदद चाहिए वो हमें इंडियन आर्मी से बहुत अच्छी तरह मिलता है। और मोदी सरकार की तरफ, मोदी सर ने तो बहुत अच्छा काम किया है हमारे। अच्छा, मोदी सर ने अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। जैसे क्या क्या सर? जैसे देखो डेवलप किया, बहुत ये किया, बहुत काम जो पेंडेंट थे, बिजली थे, सड़क थे, इन पर बहुत फोकस दे दिया, और बाकी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर, वो बहुत अच्छा आदमी है। चलो, ये यहाँ पे मतलब ये पहला गांव होगा जहाँ पे ना लोग इतने सेटिस्फाई हैं हर इंडियन आर्मी और मोदी के वजह से। तो ये गांव का नाम क्या? मॉस्को वैली। मॉस्को वैली है सर। तो मॉस्को वैली से भी हमें इस घर से ना पाकिस्तान बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर दूर ना बढ़िया सी चाय भी ऑफर हो गई है भाई साहब के घर से। और इन्होंने ना आपका पाकिस्तान जो कहते हैं वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें अहम किरदार निभाया था, सामान को ढोने से लेके कहते हैं इंडियन आर्मी के लिए खाना पीना छोड़े अपनी मेहनत से यहाँ से वहां तक चढ़ के ना सारा कुछ काम किया है। तो एक अगर आप जैसे आप इंडियन आर्मी के लिए ताली और सैल्यूट करते ना, छोटा सैल्यूट भाई इस मॉस्को वैली के गांव के लोगों के लिए भी। और मेरे को लगता है ना सम्मान में यार भाई अगर चक्र नहीं मिले ना तो फूल तो यार यहां के लोगों को मिलना चाहिए, नाम कुछ तो यहां के लोगों का भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी भैया कंधे से कंधा मिलाकर ना इंडियन आर्मी के साथ हर चेक पोस्ट पे खड़े हुए हैं। तो में आए थे हमारे जो पोस्टे बन रहे थे उसमें एक एक गार्डर चढ़ता था तकरीबन 30-40 kg का। अच्छा, तो गार्डर लगते थे सर बड़े वाले। अच्छा, तो वो पोस्ट बनाने में तो हमारे ये कंधे भी छिल गए हैं सर, पूरे कंधे छिल गए, पूरा सामान लोड करने में पूरा सामान।
और उसमें हमारे जो पोर्टर और आर्मी थे सर वो बहुत ये थे। तो जी मेरा तो बस इतना ही कहना है कि उतना ही सम्मान इन गांव के लोगों के लिए भी होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को वायरल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या फील करते हो, क्या मैसेज जाता है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। आप कमेंट सेक्शन में इन लोगों के लिए लिख सकते हैं। तब तक हम भाई मॉस्को वैली पाकिस्तान बॉर्डर के इस गाँव से ना चाय का मजा लेते हैं। ठीक तो भैया आपका हमको इस मॉस्को वैली के इस गाँव से चाय ऑफर हुई है बढ़िया सी, और आंटी जी और इधर एक छोटी बहन है इधर हमारी, तो उन्होंने हमें चाय ऑफर करी है, चाय पी रहे। तो इनसे हमने पता किया ना, तो ये बता रहे थे कि 3 साल तो ना पाकिस्तान ने तंग कर दिया बस गंदा। तो आपको भी डर टाइप का लगता होगा ना रहने में बहुत ज्यादा? आप तो बहुत छोटी होंगी ना उस टाइम पे, 4 या 5 साल मेरे ख्याल से। 1 साल के थे आप? 1 साल के भी नहीं थे, और आपने सब कुछ देखा। एक महीना बैठे इधर था। तो आपके गाय घोड़े भैंस कहाँ गए सारे? छोड़कर भागना पड़ा, मतलब अपना घर जमीन सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। अकेले जान लेकर चले गए, 2 कपड़े लेके निकल गए यहाँ से। तो जब आप कहते हैं उस वॉर के शांत होने के बाद आए वापस आए, तो आपको सब कुछ वैसे मिला बढ़िया तरीके से अच्छा, या सब बिखरा पड़ा था? मतलब यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था, 2-3 साल तो भी तंग हो गया। 2-3 साल तंग हो गया। 5 महीना टेंटों में रहे, जैसे आज हम शौक से रह रहे हैं, आप लोग मजबूरी में रहे। मजबूरी में रहे, मतलब शौक बन गया उस टाइम हमारी मजबूरी। उस समय उनकी ट्रैवल कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम मतलब वो चीज अब देख रहे हैं कि जो हो गया था, लेकिन जब ये हुआ था हम आज सुन रहे हैं। मतलब देखो आप सो रखे हो, आपको पता भी नहीं कौन सा गोला आके फट जाएगा सर के ऊपर। बिल्कुल मकान पे आज था पूरा मकान भस्म। इधर आपके मकान में गोला पड़ा था? तो यार एक अलग ही एक्सपीरियंस है इस गाँव में ना, मतलब एक अलग ही दर्द भरी कहानी है इस गाँव की। मतलब क्या कहूँ मैं, क्या बताऊँ, मतलब मैं जितना सुन रहा हूँ ना, हर एक लाइन के बाद ना ऐसा लग रहा है कि मतलब यार, मतलब कैसे, मतलब हम लोग मूवी में देख रहे हैं, मूवी में कह रहे हो माय गॉड ये गिर गया, इसका जल गया, ऐसा कट गया। मतलब यहाँ तो भाई पता नहीं कब कहाँ से गोला फट जाएगा सर के ऊपर, किसी को कुछ नहीं पता ना। मतलब लोग बच्चे मतलब पैदा हो रहे थे, 1-1.5-2 साल के बच्चे थे, उनकी जिंदगी आगे चलेगी नहीं चलेगी ये भी नहीं पता था। अगर ना आपको रियल में एक्चुअल में ना अगर क्या कहते हैं बॉर्डर की कहानी सुननी है ना, तो आपको ऐसे क्या कहते हैं पाकिस्तान बॉर्डर के ना गांव के बगल में आके गांव के लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा एक्चुअल में जो वॉर हुआ था उसमें हुआ क्या था, कितना नुकसान इंडिया का जिंदगी और मौत के मतलब एक फासले में लोग जी रहे थे। मतलब कब जिंदगी कब मौत है कुछ ही नहीं पता था इन लोगों को। बहुत मतलब यार मैं कितना ही मतलब क्या शब्दों का यूज करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसे कुछ हालात थे उस टाइम पे। यहाँ पे चलते हैं यहाँ से आपका आगे की तरफ, और इन सारे बच्चों को बोलते बाय बाय। ठीक है आंटी, बाय बाय, चलो फिर मिलेंगे। ओके अभिता बाय। तो अभी चलते हैं आपका क्या कहते हैं इस बाय 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 सब लोगों को खूब सारा प्यार। तो अभी काम करते हैं, अभी इस गांव में आगे की तरफ निकलते हैं, और बहुत सारे लोगों से बात करनी, बहुत सारे लोगों से मिलना है। इस गांव का नाम है मॉस्को वैली। एक टाइम पे तो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था इधर, बट अभी ना इधर बहुत खुशहाली है यार, और बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। चाय पानी पिलाई, बहुत कुछ ऑफर किया, और छोटे छोटे बच्चे देखो क्यूट क्यूट से कितने प्यारे प्यारे। और आज सब लोग पढ़ाई करते ना, और भी अच्छा लगता है देख के, कि कुछ भी हो मत हो बट पढ़ाई हमेशा होनी चाहिए।